नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और अभी हम जा रहे हैं घर वापस। और आज हम सारे बहुत सैड हैं क्योंकि हमारा मन नहीं है जाने का, सिर्फ अयाना का मन है जाने का। ये देखो सारे जा रहे हैं, घर जाके पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन अभी जाने का बिल्कुल मन नहीं था। दी स्कूल चले गए हैं क्योंकि उनको स्कूल जाना था ज़रूरी, और जीजू नहीं गए हैं, जीजू यहीं पर हैं। और अयाना, आपको मन है जाने का? हाँ। जैसू, आपको मन है जाने का? ना, जैसू का मन नहीं है, जैसू यहीं पे हैं। अभी हम स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ से हमारा रास्ता शुरू हो गया घर जाने का, है ना। और याना आज बहुत खुश है, याना अपने घर जा रहे हैं। दादी इनको रोज़ कॉल करते हैं, याना घर आओ, याना घर आओ, है ना। पीछे ना हमें रास्ते में वो मिला था, कोयला मिला था, हमने उसको शूट करने की कोशिश की, दो थे वो, और लेकिन हम शूट नहीं कर पाए। मेरा कैमरा ऑन करने से पहले ही वो भाग गए। और इतने प्यारे लग रहे थे, है ना, कितने सुंदर लग रहे थे वो। हाँ। और इतने अच्छे लग रहे थे। और ये अभी गाड़ी थोड़ा सा साफ़ करेंगे क्योंकि पीछे पूरा कच्चा रोड है, तो पूरी गाड़ी गंदी हो गई थी। और यहाँ पर हमें एक पानी का वो दिखा, टैप दिखा, तो हमने सोचा वहाँ पर उसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, तो क्योंकि आगे का रास्ता तो थोड़ा साफ़ ही है। ये पीछे वाला जो था दी घर वाला, ये थोड़ा सा कच्चा है। और यहाँ पे बड़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह थी, पानी वगैरह इकट्ठा हुआ था कि कल रात को बारिश हुई थी। तो बस अभी थोड़ी देर हम यहाँ रुकेंगे, जो भी इनको चाहिए होगा, चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो लेंगे, उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। और यहाँ तक हमें 1 घंटा लग गया, उसके आगे हमें शायद से 2 घंटे लग जाएंगे अभी और घर जाते जाते। तो गर्मी बड़ी ज़्यादा हो रही है आज भी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। एक रास्ते में परशोत्तम धाम मंदिर था। तो इतना सुंदर मंदिर है, क्योंकि ये पूरा वाइट कलर का है तो इतना प्यारा मंदिर बना हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे जा नहीं सके क्योंकि एयाना उतरने से मना कर रहे थे, एयाना जाने से मना कर रहे थे। बड़ी ज़्यादा गर्मी थी सुबह सुबह भी। तो इस टाइम कोई 11:30-12 बजे होंगे और इतनी गर्मी हो रखी थी तो एयाना का मन नहीं था जाने का, तो फिर हम भी नहीं गए। और एयाना को नींद भी आई थी उस टाइम, तो मैंने सोचा बाहर से ही शूट कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा है। और यहाँ पे एक शिव जी भगवान की बड़ी सी मूर्त भी थी और ये इतनी प्यारी थी। बस यहाँ से हमारे घर का कोई आधे घंटे का रास्ता बचा हुआ है और अभी लंच बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो मैं इनको बोल रही हूँ मार्केट से या किसी रेस्टोरेंट से ही कुछ ले लेते हैं खाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 1 बजा अभी और भूख भी लगी है, क्योंकि वहाँ पे हमने 8:30 पे ब्रेकफास्ट कर लिया था। वहाँ जल्दी कर लिया था ब्रेकफास्ट। और देखो मुझे ब्लड निकल रहा है, नहीं निकल रहा बेटा। और एयाना को ये टीका लगाया। वहाँ रास्ते में एक मंदिर था, वहाँ पे हम रुके थे तो वहाँ माथा टेका। तो एयाना को बच्चों ने, वहाँ छोटे छोटे बच्चे ही थे, उन्होंने टीका लगा दिया। बस यहाँ से हमें कोई आधा घंटा लगेगा घर पहुँचने में। और हम सोच रहे हैं मार्केट से हम नान और वो जो भी सब्ज़ी वगैरह लेनी होगी वो लेते हैं, क्योंकि अभी भूख लगी है। तो हम घर जाके बस लंच करेंगे। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। और एयाना एक बार सो के उठ भी गए हैं और हम लोग बस लंच करके और घर जाके थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, क्योंकि इस टाइम हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में नहीं, घर पहुंच के मिलते हैं आप। चुके हैं अपने घर, और अपने घर आके जो मज़ा आता है ना वो कहीं पे नहीं है वो मज़ा। और ठंडी ठंडी हवा, अभी कूलर में डाला पानी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, लेकिन मैं आज कूलर नहीं बंद करूँगी क्योंकि इस टाइम बहुत गर्मी लगी है। और अभी थोड़ा सा बस नहा धो के फेस वगैरह वॉश करूँगी, काजल वगैरह पूरा जो है जो भी मेकअप तो कुछ नहीं किया था, सनस्क्रीन वगैरह लगाया था। और डस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है फेस पे, थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा नहाऊंगी मैं, और चीनू को भी थोड़ा सा स्नान कराऊंगी। उसके बाद हम करेंगे लंच, क्योंकि लंच हम मार्केट से पैक करा के लाए हैं, तो बस उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा थक गए हम, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। अभी हो गई है रात और हम लोग मार्केट गए थे, मार्केट से थोड़ा सा सामान लाया हमने। नया नहीं है, पुराना है। और अयाना के लिए शूज़ लाने थे, अयाना के शूज़ ख़राब हो गए थे वहाँ पे, और साथ में एक स्लीपर लाए हैं अयाना के लिए, एक अपने लिए लाए हैं। तो आज का ब्लॉग मैं आपको दिखाती वो सब, लेकिन मैं बड़ी ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और अयाना मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं वहाँ से, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।